डाल स्वागत आपका मेरे चैनल में एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम जा रहे हैं अभी राहुल भाई के हॉस्टल में, और हॉस्टल में छोटी सी पूजा रखी है। अभी रात के बज रहे हैं 9:10 और मैं और टैडी मैं और टैडी अभी जा रहे हैं हॉस्टल। एवरीबॉडी, अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल में, एंड ये वाला डीलक्स रूम है जिसमें अभी एक दो चीजों में चेंजेस और भी आएंगे, जिस विंडो व्यू है आगे दिन में, इधर से आगे पहाड़ी मनाली का अच्छे से व्यू आता है। तो मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंड रहेगी आप लोगों को, आपको कूपन कोड भी देखने को मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, और आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऐसे डीलक्स रूम के अलावा एक सिटिंग एरिया भी बना है जिसमें बैठ के आप लोग चिल कर सकते हैं, एंड एक बंक वाला है वो भी दोनों में आपको दिखाऊंगा। अभी जो सिटिंग का है उसमें थोड़ा सा वक्त चल रहा है, अभी जस्ट पूजा का प्रोग्राम किया जाएगा, पूजा छोटी सी पूजा रखी जाएगी जिसमें मैं और राहुल भाई दोनों ही रहेंगे। देखिए सामने रात में इस तरीके का व्यू है, नीचे की तरफ में सिटी देखने को मिल रही है और ये सारे एप्पल के पेड़। एक ये डीलक्स रूम है, इसके अलावा ये बंक बेड का है, देखिए 6 बेड है। ये प्रॉपर्टी में आपको हॉस्टल की तरह चीजें देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा 2 डीलक्स रूम देखने को मिल जाएंगे और एक सिटिंग एरिया। मनाली में बारिश खूब आ रही है तो इस बारिश की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है, तो देखिए मैंने भी -10 डिग्री की जैकेट डाल ली है, काफी ठंड है भाई इधर। रात के टाइम में तो अच्छी खासी ठंड देखने को मिल रही है। तो देखिए पूजा पाठ हो रहा है, प्रॉपर्टी पहली बार तो न्यू है, तो भाई आओ जितना हो सके दीप भाई के थ्रू आओ। अगर दीप भाई के थ्रू आते हो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी booking.com, मेक माई ट्रिप, अगोड़ा एंड एक दो वेबसाइट जो भी है ट्रेवल, वो इन पर सब पे अवेलेबल होगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी छोटी है, आगे एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट ईयर इसी को, सेकंड फ्लोर पे। अभी 2 प्राइवेट रूम है जो कि ना कि स्टैंडर्ड है ना प्रीमियम है, बट आपको अच्छा लगेगा, कंफर्ट पूरा होगा। उसके अलावा 6 बंक हैं, एक कॉमन सिटिंग एरिया है जो मोस्टली हॉस्टल्स में होता है, इन हाउस किचन है, खाना हमारा भाई बहुत शानदार है, मैं खुद शेफ बनाता। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अपने तैयार शार हो चुके हैं। तैयार होके आज अपने एक फ्रेंड है जो जयपुर से ही बिलोंग करता है, उससे मिल के आएंगे, एंड हो सकता है थोड़ा बहुत और इधर उधर घूमना हो जाए। मौसम अच्छा है, कभी धूप आ जाती है कभी छांव आ जाती है, बस ऐसा ही चले जा रहा है। देख सकते हैं इस तरफ आगे रोहतांग पास जो अभी ओपन हो चुका है, एंड वो ऊपर जो 2 ग्लेशियर है, इधर काफ़ी बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से उन पर फ्रेश स्नो गिरी है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है फ्रेश स्नो का। एंड मैं हो चुका हूँ रेडी, एंड रेडी होके अभी चलेंगे हम नीचे की तरफ। यहाँ से अपने ले रहे हैं मनाली के ड्रोन फुटेज, अभी मैंने नीचे से उड़ाने की कोशिश की लेकिन ना सही व्यू थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा था क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं लग रहा आगे पीछे का, तो अभी ऊपर जाते हैं एंड ऊपर से दोबारा उड़ाते हैं। देखिए हम छत पे एंजॉय कर रहे हैं मनाली में, इस तरफ अभी सनसेट हो चुका है, मैंने ड्रोन शॉट लिए,
काफी फुटेज ली आगे पीछे ऊपर नीचे, काफी अच्छा लगा एंड मौसम था बारिश वाला, तो होप सो अच्छे ही शॉट आए होंगे। ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग लग गई और यहाँ की लुक ही चेंज हो गई है हॉस्टल हाउस की। और ये देखिए यहाँ पे चेयर सेटअप भी लग गया है। तो ऑफिशियली आज अपना द हॉस्टल हाउस ओपन हो चुका है एंड वाइब बहुत बढ़िया आ रही है इस तरीके की लाइटिंग के साथ में, बिल्कुल जंगलों के बीच में, हर तरफ एप्पल ही एप्पल के पेड़ है। ज़्यादा घूम के नहीं आए, थोड़ा सा गया था मॉल रोड साइड, लेकिन गया तब रस्ते में बारिश होने लग गई थी, तो बारिश की वजह से मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। मैंने मनाली के काफी सारे ड्रोन फुटेज लिए हैं, तो उम्मीद करूंगा आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड लव लाइफ, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अब आगे बढ़िया बढ़िया व्लॉग आप सबके लिए मैं लेके आने वाला हूँ।